सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही फिल्मों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसमें दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं सुपर 30, हॉब्स एंड शो, द लायन किंग, जजमेंटल है क्या का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इसी के साथ जानने वाले हैं इस साल की एक मच अवेटेड फिल्म साहो का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर रिलेटेड न्यूज मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हॉलीवुड की बिगी फिल्म हॉब्स एंड शो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसे कि इसी हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया है। बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म को प्रेजेंट किया है फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म ने। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के लीड एक्टर्स के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के लीड में आपको दिखाई दिए हैं द रॉक, ड्वेन जॉनसन, एड्रिस एल्बा, जेसन स्टेथम और रोमन रेंज। अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में तो बता रहे दोस्तों आपको कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 4 भाषाओं में रिलीज किया गया है और इस फिल्म को मिली थी लगभग 2100 स्क्रीन्स। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडिया से काफी अच्छी ओपनिंग ली थी और कमाए थे 13.5 करोड़ रुपए। सेकेंड डे में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और इस फिल्म ने अपने सेकेंड डे में कमाए थे लगभग 15 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के थर्ड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने अपने थर्ड डे में भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की है और इस फिल्म का थर्ड डे का कलेक्शन था 16 करोड़ रुपए। इसी के साथ ये फिल्म अपने फर्स्ट वीकेंड में लगभग 44 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी थी। वहीं दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म इंडिया से 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी थी। बात की जाए इस फिल्म के अगर फोर्थ और फिफ्थ डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में तो बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। वहीं दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिले हुए काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ के बाद इस फिल्म को ऑडियंस काफ़ी देखने जा रही है। इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म ने अपने फोर्थ डे में भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाया है 7 करोड़ 30 लाख रुपये। वहीं दोस्तों फिफ्थ डे में इस फिल्म ने कमाया है 6 करोड़ 10 लाख रुपये। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया से हो चुका है 57 करोड़ रुपए का। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में तो बता रहे दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने 3 दिनों में कमा लिए थे लगभग $200 मिलियन। वहीं दोस्तों फोर्थ और फिफ्थ डे में इस फिल्म ने कमाए है $40 मिलियन, यानी कि दोस्तों ये फिल्म अभी तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 240 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है और हो चुकी है ब्लॉकबस्टर। बताया दोस्तों आपको कि आज इस फिल्म का 6th डे चल रहा है और आज भी दोस्तों इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो इंडिया में रही है 30 से 35% की, यानी कि दोस्तों ये फिल्म अपने 6th दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5.5 से 6 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है और इसी के साथ ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी हो चुकी होगी सुपरहिट। तो दोस्तों आपको इस फिल्म में किस एक्टर का काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर ली जाए दोस्तों यहाँ पर हॉलीवुड की एक और बिगी फिल्म द लायन किंग के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 19 जुलाई के दिन रिलीज किया गया था। बताया दोस्तों आपको कि ये इस फिल्म का 3रा हफ्ता चल रहा है, उसके बाद भी दोस्तों ये फिल्म इंडिया में काफ़ी अच्छी कमाई कर रही है। तो बात की जाए अगर इस एनिमेटेड फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में तो बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म में सुपरस्टार शाहरुख खान, आर्यन खान, आशीष विद्यार्थी, श्रेयस तलपड़े और संजय मिश्रा जैसे काफ़ी शानदार कलाकारों ने आवाज़ दी है। इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। वहीं दोस्तों तमिल, तेलुगु और इंग्लिश में भी इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो बात की जाए इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म को भी ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2100 स्क्रीन्स मिली थी। वहीं इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे में कमाए थे 11 करोड़ 6 लाख रुपए, जो कि एक तरह से काफ़ी शानदार ओपनिंग थी। सेकेंड डे में दोस्तों इस फिल्म ने कमाए 19 करोड़ 15 लाख रुपए और अपने थर्ड डे में कमाए थे 24 करोड़ 54 लाख रुपए। फर्स्ट वीक में दोस्तों इस फिल्म ने काफ़ी आउटस्टैंडिंग बिजनेस किया और कमाए 81 करोड़ 57 लाख रुपए। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने सेकेंड वीक में भी काफ़ी अच्छी कमाई की और कमाए 45 करोड़ 75 लाख रुपए। बताया दोस्तों आपको कि यह इस फिल्म का थर्ड वीक चल रहा है और इस फिल्म ने अपने थर्ड वीकेंड में कमाए थे लगभग 12 करोड़ रुपए। मैं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग 18वें और 19वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने 18वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाया है 1 करोड़ 30 लाख रुपए। 19वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने कमाया है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। वहीं अगर बात करें आज की
तो दोस्तों आज भी इस फिल्म ने मॉर्निंग से ही 15-18% की ऑक्यूपेंसी हासिल की है और आज ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 90 लाख रुपए की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया से हो चुका होगा 143 करोड़ रुपए का। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के ओवरसीज बॉक्स ऑफिस की तो दोस्तों ये फिल्म ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 1.3 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। यानी कि दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है 9,100 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म 2019 की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है और हो चुकी है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अब बात कर ली जाए दोस्तों यहाँ पर हिंदी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो बात कर ली जाए यहाँ पर जजमेंटल है क्या के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, जैसा कि बॉक्स ऑफिस पर ये सेकेंड वीक चल रहा है। बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म के लीड में आपको कंगना रनौत और राजकुमार राव नजर आए हैं। वही दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साउथ के जाने माने डायरेक्टर प्रकाश कोवेलामुदी ने। अगर बात की जाए इस फिल्म के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो बता दें आपको कि एक साइकोलॉजिकल ब्लैक कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। फर्स्ट डे में दोस्तों इस फिल्म ने कमाए थे 4,50,00,000 रुपए। सेकेंड डे में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और इस फिल्म ने कमाए 8,02,00,000 रुपए और थर्ड डे में कमाए 8,62,00,000 रुपए। फर्स्ट वीक का कलेक्शन दोस्तों इस फिल्म का काफी अच्छा रहा और इस फिल्म ने कमाए 31,42,00,000 रुपए। वहीं अगर बात करें सेकेंड वीक की तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिव्यूज मिले हैं, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में कंगना रनौत और राजकुमार राव के काम की काफ़ी तारीफें हो रही है। इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म को अपने सेकेंड वीक में भी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और दोस्तों इस फिल्म ने अपने सेकेंड वीक में अभी तक कमा लिए हैं लगभग 6 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अभी तक का हो चुका है 37 करोड़ रुपये का। आज इस फिल्म का 13वां दिन चल रहा है और दोस्तों आज भी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 40-50 लाख की कमाई कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट रिकवर कर चुकी होगी और एक एवरेज फिल्म साबित हो चुकी होगी। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के ओवरसीज की तो दोस्तों ओवरसीज से इस फिल्म ने कमाए है अभी तक 8,40,00,000 रुपए और दोस्तों ओवरसीज में ये फिल्म हो चुकी है हिट। तो आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर ली जाए दोस्तों यहाँ पर सुपर 30 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसने कि एक काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि सुपर 30 जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 12 जुलाई के दिन रिलीज किया गया था, जिसे कि बिहार के जीनियस मैथमेटिशियन आनंद कुमार के जीवन और उनके एजुकेशनल प्रोग्राम सुपर 30 के ऊपर बनाया गया है। बता दें दोस्तों आपको कि एक इकलौती ऐसी इंडियन फिल्म है जिसे कि इंडिया में 8 से ज्यादा स्टेट में टैक्स फ्री कर दिया गया है और एक रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। बता दें दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे में कमाए थे 11,83,00,000 रुपए, जो कि एक तरह से काफी अच्छा कलेक्शन था इस तरह के कंटेंट वाली फिल्म के लिए। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के फर्स्ट वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो बता रहे दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में कमाए 75,85,00,000 रुपए और अपने सेकेंड वीक में कमाए थे 37,86,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी और हो चुकी थी हिट। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के थर्ड वीक और फोर्थ वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने थर्ड वीक में कमाए हैं 17,94,00,000 रुपए और अपने फोर्थ वीक में भी दोस्तों ये फिल्म काफी अच्छी कमाई कर रही है और इस फिल्म का जो फोर्थ वीकेंड का कलेक्शन था वो रहा था लगभग 6 करोड़ रुपए का। 25वें और 26वें दिन भी दोस्तों इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है और 25वें दिन का इस फिल्म का कलेक्शन रहा है 85,00,000 रुपए का। 26वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने कमाए हैं 80,00,000 रुपए। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के 27वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो बताएं दोस्तों कि आज भी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 15-20% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म अपने 27वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 80,00,000 रुपए की कमाई कर रही है और इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका होगा लगभग 140 करोड़ रुपए का। बात करें दोस्तों इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की तो दोस्तों ये फिल्म ओवरसीज से अभी तक कमा चुकी है 37 करोड़ रुपए और ऑल इंडिया ग्रॉस पर ये फिल्म कमा चुकी है 163 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है और मात्र 60 करोड़ रुपए से बनने वाली ये फिल्म
इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है। अब बात कर ली जाए दोस्तों यहाँ पर साहो फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि इस साल की एक मच अवेटेड फिल्म है। बताया दोस्तों आपको कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड में आपको प्रभास और श्रद्धा कपूर नजर आई है। वहीं दोस्तों उनका साथ दिया है नील नितिन मुकेश, अरुण विजय, जेके श्रॉफ, चंकी पांडे और कई सारे सुपरस्टार्स ने। अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 4 से 5 भाषाओं में रिलीज किया जाना है, और इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 7 से 8 हज़ार स्क्रीन्स मिल सकती है। बताया दोस्तों आपको कि ये फिल्म 30 अगस्त के दिन रिलीज होने वाली है। इसी कारण से दोस्तों ये फिल्म हिंदी भाषा में ही लगभग 3 हज़ार से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होगी, और अपने पहले दिन नॉर्थ इंडिया से ही लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। तमिल और तेलुगु से दोस्तों ये फिल्म काफी अच्छी ओपनिंग लेने वाली है, क्योंकि दोस्तों तेलुगु स्टेट की ओरिजिनल फिल्म है, इसलिए तेलुगु में दोस्तों ये फिल्म अपने पहले ही दिन लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। तमिल से दोस्तों ये फिल्म लगभग 15 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। वहीं दोस्तों कन्नाड़ा और मलयालम इंडस्ट्री से ये फिल्म लगभग 10 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। यानी कि दोस्तों इस फिल्म का जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो ऑल ओवर इंडिया से हो सकता है लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए का, जो कि एक रिकॉर्ड कमाई होगी। बताया दोस्तों आपको कि इससे पहले भी प्रभास की ही फिल्म बाहुबली 2 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। वहीं अगर बात करें साहो की, तो दोस्तों साहो फिल्म भी अपने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 120 से 130 करोड़ की कमाई कर सकती है। तो दोस्तों एक रिकॉर्ड है जो कि यहाँ पर प्रभास के नाम होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या साहो फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई कर पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।